वेलकम बच्चों दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हैं हाँ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस बात का इंश्योर करें कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं इस लेक्चर में हम जो ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कशन करा आज हम लोग लास्ट ये लेक्चर है इसमें कुछ और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे बॉडी में है और हमारे कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं उसके बारे में पहला स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा प्लेसेंटा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा एक्चुअली है क्या पहले तो हमें ये समझ लेना है ये पिक्चर आपके सामने है जो इससे आप आइडिया लगा पा रहे होगे ये हमारा फीमेल्स का यूटरस है है ना यूटरस में फीटस का डेवलपमेंट चलता है और एक जो इस डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट मिलता है वो मदर की बॉडी से ही मिलता है मदर की बॉडी सेंस मदर की बॉडी सेंस यूटरस की वॉल से यूटरस की वॉल से और फीटस के बीच एक कनेक्शन होता है जो यूटरस की वॉल में ये ये टिश्यूज़ डिपेंस डीप में जाके फैले होते हैं और मदर का ब्लड सप्लाई यहां तक होता है और यहां से वो सारे न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन का वो सप्लाई करते हैं फिटस को और फिटस की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है एंड देन दैट इज गोज टू इनटू द मदर्स ब्लड एंड वो एक्सक्रीट आउट करता है इस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहा जाता है और ये जो एक ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अम्बेलिकल कॉर्ड इसको क्या बोलते हैं एम्बेलिकल कॉर्ड कहा जाता है ठीक तो प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल के बीच और ये फीटस का जो कवरिंग है उनके बीच यानी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो सप्लाई करता है फीटस को एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं ये प्लेसेंटा भी कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है उन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में आज हम लोग बात करते हैं

ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ओवल्यूशन के बाद उसको मेंटेन करके रखता है उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है जिससे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कंटिन्यूसली मेंटेन रख सके और प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूटराइन वॉल को किसको यूटराइन वॉल को मेंटेन करना यूटराइन वॉल को मेंटेन करना जिससे हमारा फिटस का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल सके सॉरी इसके साथ साथ इस एच हार्मोन की मदद से प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है जैसे हम प्रेगने नॉर्मली प्रेगनेंसी किट की मदद से जो फीमेल प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं है ना वो अपने यूरिन को इस किट पर डालते हैं और और इस पे किट पर दो बैंड्स बने होते हैं और इन बैंड्स का कलर अलग अलग होता है वो सारा इंस्ट्रक्शन वो कंपनी अपना मेथड जो होता है कैसे टेस्ट करना होता है वो प्रोसीजर लिख के देते हैं वो अपने पैक के साथ नॉर्मल है बड़ा इजीली करा जा सकता है और इसको हम यूरिन सुबह का जो पूरी रात के मींस रात के बाद मॉर्निंग वाली यूरिन को हम इस पे पार ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स की मदद से छोड़ देते हैं ड्रॉपर की मदद से तो हमें आ, वो फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी उसके आ, इस टेस्ट में दो बैंड्स बनेंगे अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो एक बैंड बनता है अगर प्रेग्नेंट है तो यहां पे ये आपके दो पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिख रहे हैं प्रेग्नेंट है तो ये दो बैंड्स ऐसे दिखेंगे नॉट प्रेग्नेंट है तो एक बैंड दिखेगा यहां पे इंडिकेटर की तरह ठीक है तो ये एक बहुत इजी शियल मेथड है प्रेगनेंसी टेस्ट का और ये प्रेगनेंसी जो रिजल्ट देता है ये kit, ये किट देता है किसके बेस पर इसी एच सी जी हॉर्मोन अगर एच सी जी प्रेजेंट है प्रेजेंट होगा तो वो ये दो बैंड आते हैं और प्रेगनेंसी कन्फर्म मानी जाती है अगर यूरिन में एच सी जी एबसेंट है तो ये एक बैंड आएगा और वो प्रेगनेंस प्रेग्नेंट नहीं है ठीक है चलिए तो ये तो बात हो गई प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स की एक हॉर्मोन से करता है एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसके अलावा हमारे की बॉडी में स्टमक से भी कुछ हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं और इंटेस्टाइन से भी कुछ हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे गैस्ट्रिन पहला हॉर्मोन है ये हमारा स्टमक का जो वहाँ से सिक्रीट किया जाता है और ये स्टूम करता है उनका फूड का प्रेशर गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करवाते हैं एंड गैस्ट्रिन हॉर्मोन एक्टिवेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस और ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाता है और गैस्ट्रिक जूस आपको पता है डाइजेशन में आपने पढ़ा होता है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन स्टमक में हमारा जो डाइजेशन है उनमें ये इनके जो एंजाइम्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दूसरा हॉर्मोन है सिक्रेटिन दैट इज सिक्रेटेड बाई ड्यूडेनम ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये स्टमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीसन को स्टमुलेट करता है वाइल्ड हॉर्मोन कोट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गोल ब्लेडर अपना सिक्रेटिन पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीसन को इंक्रीज करा देता है एंड कोलीसिस्टोकाइनिन हॉर्मोन गॉल ब्लेडर से बाइल के सिक्रीसन को इंक्रीज कराता है जब भी हमारा फूड स्टमक से पास किया जाता है डिओडनम की तरफ ठीक है तो ये सारे हॉर्मोन्स की बात हो गई जो हम आपकी बॉडी में है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर ली है ना प्लेसेंटा की बात कर ली हमने स्टमक के में कौन से हॉर्मोन सिक्रिएट होते हैं उसकी बात कर ली इंटेस्टाइन से कौन सा हॉर्मोन सिक्रिएट होता है उसका हमने रोल देख लिया अब ये हॉर्मोन्स कैसे हमारे काम करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है कैसे ये कंट्रोल करता है हमारा हार्मोन अपने सिक्रीसन को वो हम लोग यहां समझेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रीसन हार्मोनल सिक्रीसन कैसे हमारा कंट्रोल किया जाता है चलिए देखते हैं आप इस पिक्चर पे आओ एक एग्जांपल थायराइड ग्लैंड का लेके हम लोग यहां पे समझेंगे थायराइड ग्लैंड हमारा कैसे काम करता है देखिए हाइपोथेलमस दैट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये हमारा क्या करता है रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रीट करके पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूट्री ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन आपने पढ़ा है हमने आपको uh, जब भी पिट्यूट्री का डिस्कशन करा था उसमें बताया टी एस एच हार्मोन का सिक्रीशन करेगा एंड थायराइड स्टूमेटिंग हार्मोन इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ थायरॉइड दैट इज द थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और थायरोक्सिन का हमारा रोल आपको पता है थायरॉक्सिन हमारे केमिकल एक्टिविटीज को बॉडी में कंट्रोल करता है जिसे हमने वहां पे टर्म दिया था बी एम आर बेसल मेटाबोलिक रेट को कंट्रोल करता है अब जो हमारा बेसल मोटाबोलिक रेट है वो कंट्रोल है मींस जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उतनी बन रही है उसके बावजूद अगर थायरॉक्सिन रिलीज होता जा रहा है और हमारी जरूरत नहीं है तो सप्रेस करता है प्रोडक्शन ऑफ टी एस एच फ्रॉम पिट्यूटरी सॉरी प्रोडक्शन ऑफ टी एस एच फ्रॉम हाँ पिट्यूटरी ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है रिक्वायर्ड बीएमआर अटेन करने के बाद फिर थाइरोक्सिन का अमाउंट जो बढ़ता जा रहा है ये सप्रेस करेगा पिट्यूटरी को कि भाई अब आप टीएसएच का सिक्रीशन रोको ये फीडबैक कहा जाता है मींस पिट्यूटरी टीएसएच ही सिक्रीट कर रहा है और थायराइड थायरोक्सिन सिक्रीट कर रहा है अब ये थायरोक्सिन इसको फीडबैक देता है कि नहीं दैट इज द एनफ अमाउंट ऑफ टीएसएच सो सप्रेस द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ टीएसएच बाय पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी का सिक्रीशन टीएसएच का धीरे-धीरे कम होने लगता है फीडबैक मैकेनिज्म है है ना और इसी को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म और इस तरह से जब टीएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो थायराइड का ऊपर इंपैक्ट कम होगा तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा और थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हुआ तो हमारा बीएमआर धीरे धीरे कम होने लगेगा तो इस तरह से हमारा जो मैकेनिज्म है हॉर्मोनल एक्टिविटी का वो रेगुलेट किया जाता है हम आपकी बॉडी में है ना यही स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं इसको आपको एक बार रीड कर लेना है अमाउंट ऑफ हॉर्मोन रिलीज बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडीज नीड फॉर द हॉर्मोन एट एनी टाइम पीरियड के लिए हम आपकी बॉडी में उस हॉर्मोन की कितनी जरूरत है है ना वो हमारी बॉडी डिसाइड करती है फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा सिक्रीशन शुरू करेगा द प्रोडक्ट ऑफ टारगेट टिश्यू एक्सक्रीट एंड एफेक्ट जो होगा उसका रिस्पेक्टिव एंडोग्राइन ग्लैंड पर पड़ता है और वो एंडोग्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन सिक्रीट करना शुरू करेगा दिस इफेक्ट में बी पॉजिटिव सिक्रीट मोर हो सकता है कि सिक्रीशन बढ़ाना हो तो वो सिक्रीशन बढ़ जाता है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है तो सिक्रीशन को हमारा कम भी कर दिया जाता है या सिक्रीशन को स्लो डाउन कर दिया जाता है या इवन बंद कर दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि वो आपका उस पर्टिकुलर टाइम में कंडीशन कैसा है बॉडी का है ना तो इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा हार्मोनल जो सिक्रीशन है हार्मोनल रेगुलेशन है वो रेगुलेट किया जाता है ठीक है आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक बार दो बार इसको पढ़ें और सम देखें इसको तैयार करें आपके बोर्ड के प्रस्पेक्टिव से बहुत सारे सवाल का जो लॉजिकल सवाल होते हैं उनके लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये रेगुलेशन ठीक है और इस लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड पार्ट है पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में एंड दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम जो फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं तो आज के लिए बच्चों इतना ही इसको प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और खुश रहो थैंक यू बच्चों